रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बेट ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जुड़िए, आज आपके सामने मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज बात करेंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में सीधा शिक्षक बनाने की योजनाएं चल रही है सरकार की। इनके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था और उसके बारे में मैंने बताया था सीधा शिक्षक बनने का एक फॉर्मूला सरकार निकाल रही है। इनके बारे में बहुत सारे साथियों ने कमेंट भी किया था, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी वैसे मैं उसमें दी थी, बट उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करके, उनको वीडियो देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे, ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक न्यूज़ चल रही है जिसमें ये भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगने के लिए है। उससे पहले बात करते हैं, आप सभी ने रीट परीक्षा दी है, आशा करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, बट सरकार ने पेपर तो साथ में नहीं दिया था, उसके बाद साइट पे अपलोड कर दिया था, सभी पारियों के सभी सीरीज वाइज पेपर अपलोड कर दिए गए हैं और वो आंसर की सभी टीचर्स अपने अपने यूट्यूब चैनल पे सभी एक्सपर्ट करवा रहे हैं, तो वो आपने शायद जांच ली होगी। आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, इन्हीं के बारे में न्यूज है, तो इनके बारे में थोड़ा विश्लेषण चर्चा करते हैं। देखिए, ये न्यूज है, पाली भास्कर न्यूज है, आज ही की न्यूज है ये, 26/7/2022 की। तो देखते हैं, इसमें मेन हेडिंग है वो है लेवल 2 गेस्ट फैकल्टी में रीट की पात्रता जरूरी, प्रदेश में 12 लाख बीएडधारी ए योग्य। ये मतलब ए योग्य होने का क्या है फॉर्मूला? देखिए, सरकार ने ये तो जारी कर दिया कि आपको 90 नंबर लेके आने हैं कैसे ही करके, तो इनके बारे में हम आगे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सरकार को पता है हमने पेपर किस टाइप से लिया है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कहीं पे क्या न्यूज़ चल रही है, कहीं पे क्या चल रही है, इसके बारे में नहीं बात करते हुए हम बात करेंगे आगे। इनके बारे में बोलेंगे तो आगे और नया वीडियो बनाएंगे, आप बोलेंगे हमारे सपोर्ट में रहो तो ज़रूर हम सपोर्ट में आपके लिए। तो मैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि भास्कर के अनुसार 2021 की परीक्षा है रीट वाली, वो तो रद्द हो चुकी है। 2017 की जो वैधता है रीट की, 2022 तक होती है वो आपकी वैधता, 3 साल तक रहती है रीट की वैधता, 3 साल तक रहती है, वो 3 साल हो चुके हैं, उनको खत्म हो गई। अब इन्होंने लिखा है 2022 का रिजल्ट आने में 2-3 मंथ लगेंगे, बड़ा सवाल ये है कौन पढ़ाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये न्यूज जो आपकी कटिंग है वो मैंने वैसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, आप डेली इस टाइप की न्यूज वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो OR जाट मोटिवेशन नाम से चैनल है टेलीग्राम, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली सुबह आपको ये न्यूज मिल जाती है। अब बात करते हैं, इसके अंदर स्पष्ट है कि 2022 में जो परीक्षा हुई है इनका रिजल्ट अभी 2-3 महीने में आ जाएगा, फाइनल है और पेपर है जो जारी कर दिया, आंसर भी जल्दी जारी कर देंगे। अब इन न्यूज़ के अंदर ये लिखा है, ये पहले का आंकड़ा बताया हुआ है, RTET पहले रीट होती थी, वो मतलब रीट का पहले नाम RTET था, उसके बाद 2015 में इसका रीट नाम पढ़ा दिया, 2017-2021 ये आंकड़े दे रखा है, मतलब कुल कितने स्टूडेंट्स ने 1 और 2 में पेपर दिए थे और कुल कितने पात्र हुए हैं, इनके लिए मैं बता देता हूँ। जो सरकार ने आपके सामने पेपर लिया है ये प्रकार 90 नंबर लाना, मतलब सरकार को ये पता है कि इस लेवल का पेपर बनाएंगे जिससे इतने स्टूडेंट जैसे पहले हुआ करते थे उतने ही इस बार होंगे, जैसे कि 17 लाख विद्यार्थियों में से पिछली जो रीट परीक्षा हुई है उसमें 12 लाख विद्यार्थी ए योग्य हुए थे, उसमें आपको ये आंकड़ा 1-1/17 बताया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सरकार जो प्रदेश में योजना लाई है शिक्षा सुलभ योजना करके, जिसमें सरकारी स्कूलों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाएगी, तो इसमें रीट परीक्षा पात्र होना बहुत जरूरी है। आपकी रीट परीक्षा पात्रता क्लियर होगी तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, इसके लिए ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है। 12वीं के अंदर 50% होना जरूरी है, जैसे कि लेवल 1/2021 में रीट की पात्रता वाले BSTC सहित 12वीं में 50% अंक रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले
लग सकेंगे, मतलब रीट वन में 2021 में जो पास हुए थे विद्यार्थी वो इसके अंदर लग सकेंगे। ये गेस्ट फैकल्टी में अभ्यर्थियों की नई पदवार पात्रता, व्याख्याता के लिए सेकंड ग्रेड टीचर लेवल वन लेवल टू पीटीआई प्रयोगशाला सहायक, इन सभी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये आंकड़ा पहले वाला सारा आप अभी चेक कर सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय स्लिप ये जो भी है इसके अंदर पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, वो यहाँ पे दे रखा है। और ये भी न्यूज वही है जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि पीछे जो एक रीट परीक्षा हुई है उसके अंदर 12 लाख विद्यार्थी अयोग्य हुए हैं। अभी इसके अंदर मतलब पढ़ाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। तो इनके बारे में, तो आपकी परीक्षा के अंदर आपने सवाल मिला लिया होगा, सारी बातें कर ली है, आपका कितना नंबर बन रहा है? मेरे को लग रहा है लगभग स्टूडेंट जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो पास कर लेंगे। जो पास नहीं कर पाए रीट परीक्षा तो उनके लिए अभी तक और बड़ा मौका है, जैसा कि हमारे तैयारी कर लो एप्लीकेशन पे अभी 25 जुलाई से 31 जुलाई मानसून ऑफर चल रहा है, उसके अंदर आप इनरोल करके ये सारे कोर्सेज हैं, इनरोल करके आप आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। तो साथ ही में ये वीडियो, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? इसी टाइप की न्यूज़ डेली देखने के लिए टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, साथ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको जानकारी लेना हो, पूछना हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।